मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है, 7 के बजे का टाइम है। सब मेरे घर में सब सो रहे हैं और सूरज निकल आया और मैं नाश्ता कर रही हूँ। और आज मेरे नाश्ते में पता है क्या है? शक्कर वाली चाय और ब्राउन ब्रेड सैंडविच है उसका। तो मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद हम अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल आप सबका? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और मास्क पहना हुआ है तो समझ जाएँगे कहीं जा रही हूँ। और रास्ते में बताती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। चलें फिर। जी जनाब, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ गए जा रहे हैं। सो मैंने एक ड्रेस लिया हुआ था, अपनी बहन की शादी पे लिया था, तो वो मैंने पहना ही नहीं। मतलब लाइक मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना ना, तो मैंने सोचा कि मैं उसे एक्सचेंज करवा देती हूँ या फिर मैं उसे रिटर्न करवा लूँगी, कुछ और ले जाऊँगी। मैंने उसे रिटर्न करवाया, वहाँ पे मुझे शॉप पे कुछ अच्छी वैरायटी नहीं लगी क्योंकि ज़ाहिर बात अब मौसम ऐसा है ना। तो फिर मैं आ गई अपनी शूज़ वाली शॉप से। ये शॉप जो है ना, यहाँ से मुझे हाई हील्स और साथ फ्लैट शूज़, मतलब जिस तरह के मुझे चाहिए होते हैं ना, अच्छी क्वालिटी भी हो, प्राइस भी कम हो, तो चाइना मार्केट से मुझे मिल जाते हैं। ये शॉप है, इस शॉप का नाम है हाई हील्स बाय इमरान, ठीक है। जो भी चाइना मार्केट में जाए, इस एक दफ़ा इनकी जो क्वालिटी है ना शूज़ों की, या चेक कीजिएगा। उसके बाद इंतहा की सख्त किस्म की भूख लगी हुई थी आप लोग की बहन को, तो अलवेज मोहब्बत बिरयानी। मूड ख़राब हो तब भी बिरयानी खाओ, तब भी ठीक हो जाता है। लेकिन सच बताऊँ, जो बिरयानी मैं खाती हूँ ना, लाइक जहाँ की मुझे पता है, जहाँ की मेरी सिग्नेचर बिरयानी है, वैसा टेस्ट इसका नहीं था। और इसका जैसे ये चटनी थी पर ऐसे लग रहा था जैसे लस्सी है। बहरहाल कोई बात नहीं, खाने को बुरा नहीं कहते, जैसा भी था खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चाइना मार्केट है, आप अगर जो पिंडी में रहते हो उन लोगों को तो पता होगा कि ये है एक चाइना मार्केट। यहाँ पर आपको दुनिया जहान की हर चीज़ मिल जाएगी, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक सारी पर वैरायटी मिल जाएगी। मैं देखें प्रमोशन कर रही हूँ। बहरहाल उसके बाद हमने बेडशीट लेनी थी अरसलान के लिए, क्योंकि उसके बेड की बिल्कुल भी बेडशीट नहीं थी और कभी ली नहीं थी। तो फिर अम्मी ने कहा उसके लिए एक ले लेते हैं, और मैंने बस शूज़ लिए और कुछ भी नहीं। और फिर वापस मोमोज़ ढूंढ रही थी सच्ची यार, मैं मोमोज़ ढूंढ रही थी बट नहीं मिले। और फिर हम लोग अपनी फरारी सवारी पर बैठ के वापस आ गए। आजकल जाना आना इतना मुश्किल है और बंदा क्या ले यार। वो मैंने ना चेंज करवा कर ना उनसे पैसे लेके, तो मैंने अपने लिए ये शूज़ ले लिए। अब या तो ईद पे पहन लूँगी या फिर किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो के लिए काम आ ही जाते हैं हील वाले। और ये मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगे और बहुत ही ज़बरदस्त लगे, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ। क्यों, सबसे पहले मैंने ना अपने फेस को वॉश किया है, क्योंकि जाहिर बात है घर धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ हो जाती है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मैंने स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, क्रीम, दूध और चीनी जिसका बनता है, ठीक है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. मुखातिब हूँ, मैं लाई थी अपने लिए एक नया कप, तो मैं अभी इसमें तो फिलहाल, वैसे तो चाय भी पी सकते हैं लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसमें पी रही हूँ मिल्क शेक, वो भी स्ट्रॉबेरी का। एक नेल्स लेकर आई थी मैं, तो मैंने सोचा कि मैं वो ट्राई करती हूँ, तो मैंने अभी वो ट्राई किए हैं। और कैसे लग रहे हैं? तो लोग पूछ रहे थे कि इस लेंस का क्या शेड है, तो ये है HD स्मोकी ब्लू। जी तो इसी के साथ शाम की चाय के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मैं भी थक गई थी और नेल भी टूट चुका था दूसरे हाथ का, इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।